Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Tarun Sharma. In this video I will explain the test of chapter 9, introduction to Microsoft Excel in class 9th. ओके ये सेकेंड वीडियो है. इससे पहले वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं. ओके लेट स्टार्ट. द टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो. फर्स्ट इज द टाइटल बार. द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन ऑफ द वर्क बुक विंडो. जो वर्क बुक विंडो होती है दिस, जिसमें जो टॉप में ये जो शो होता है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं. दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिस्प्ले द नेम ऑफ द वर्क बुक ऑन विच यू करेंटली वर्किंग. ओके जो आप वर्क कर रहे हो जिस बुक पे, उसका नेम को डिस्प्ले करता है. क्विक एक्सेस वाल को भी डिस्प्ले करता है टाइटल बार. सेकंड इज द क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार प्रोवाइड द शॉर्टकट टू द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कमांड. ये शॉर्टकट प्रोवाइड कराता है जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली कमांड्स होती हैं जिसे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि रीडो, अंडो, सेव, दीज आर. ओके दिस टूल बार इज लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार. जो टाइटल बार के लेफ्ट साइड में होता है. ऑन एस पेज इज दिस. ओके दिस इज द स्प्रेड शीट या एक्सेल शीट. ओके और इसे वर्कबुक भी कहते हैं. वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ शीट्स, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री. ओके दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, ये दिस इज द फॉर्मूला बार, रिबन और स्क्रॉल बार. दिस इज द स्क्रॉल बार जिससे हम शीट को अप एंड डाउन करते हैं. स्क्रॉल बार होता है हमारा, रिबन हमारा ये कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला बार, दिस टाइप से ये रिबन होता है हमारा. ओके तो ऑफर्स इज द फाइल टैब. फाइल टैब इज द ग्रीन टैब लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. व्हेन यू क्लिक द फाइल टैब यू कैन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बैक स्टेज व्यूज. सिंपली हम कह सकते हैं जैसे फाइल टैब पे हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन होते हैं सेव, सेव एस, ओपन, सेव से हम सेव द करेंट वर्क बुक, सेव एस से सेव द करेंट वर्क बुक अंडर ए न्यू नेम. जैसे पहले से किसी नेम से सेव है तो हम उसे दोबारा से किसी और नेम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एस का यूज़ करेंगे. एंड ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, न्यू सीट भी ले सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं. दीज आर द ऑप्शन ऑफ फाइल टैब. नेक्स्ट इज रिबन. रिबन रिप्लेस द ट्रेडिशनल मेनू एंड टूल बार्स. रिबन इज डिजाइन टू क्विकली फाइंड द कमांड्स दैट यू नीड टू कम्प्लीट टास्क. ओके एक टूल्स होते हैं इसमें. रिबन हैज़ द वेरियस टैब लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यूज एंड व्यूज. ईच टैब कंटेन वेरियस कमांड अरेंज इन द डिफरेंट ग्रुप्स. ओके नेक्स्ट इज दिस इज द रिबन्स फॉर्मूला बार. दिस इज द फॉर्मूला बार. दिस बार इज शो द सेल पॉइंटर पोजिशंस ऑन द लेफ्ट कॉर्नर बॉक्स. द example you see G4 printed there means that the cell pointer is currently at the cell G4. On the right side you see the formula box. You can type cell formula directly or click FX. okay इसमें क्या होता है जैसे G4 हमारा क्या है, कोई सेल है जिस पर हमने करेंटली वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर हम उसे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. दिस इज द फॉर्मूला बार. ओके
नेक्स्ट इज द स्टेटस बार, दिस बार इज डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ द विंडो, जो विंडो की एकदम बॉटम में होता है उसे हम स्टेटस बार कहते हैं, दिस इज द स्टेटस बार। इट शो द स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम्स कंडीशंस, मैनी ऑप्शन ऑन स्टेटस बार आर सेलेक्टेड बाई डिफॉल्ट, यू कैन कस्टमाइज द स्टेटस बार विद अ राइट क्लिक एंड सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट इज वर्कशीट। वर्कशीट, दिस इज एक्चुअली अ प्लेस वेयर द डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड एंड फॉर्मेटेड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स, पिक्चर्स, चार्ट एंड ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो इंसर्टेड हियर। एट द बॉटम ऑफ द वर्कशीट यू कैन सी द शीट टैब विद नेम ऑफ द वर्कशीट एंड द एक्टिव वर्कशीट डिस्प्लेड। You can click on the buttons on the left corner to see all the worksheets and using horizontal scroll bar to scroll the current worksheet left and right. Simply क्या है कि वर्कशीट क्या होती है, इज द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, जिसमें कि ये रोज होती है, ये कॉलम्स होते हैं। ओके, और इसमें ये जो लाइन्स होती हैं इसे हम ग्रिड लाइन कहते हैं, और जो सेलेक्टेड सेल को जो सेलेक्ट करते हैं सेल पॉइंटर होता है, ये वर्क्स एक्टिव वर्कशीट होती है जिस पर आप वर्क कर रहे हो, और ये हॉरिजॉन्टल रूल होता है, वर्टिकल रूल होता है। ओके, सिंपली हम वर्क कर सकते हैं। अनेसिस, वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फर्स्ट इज क्रिएटिंग ए वर्कशीट, हाउ कैन ओपन ए न्यू वर्कशीट इन एमएस एक्सेल। तो फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट अ ब्लैंक वर्कबुक, स्टेप फर्स्ट क्लिक द फाइल टैब, न्यू ऑप्शन। ओके, जैसे आप फाइल टैब पे क्लिक करते हैं न्यू ऑप्शन ओपन होता है, तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे, देन सेलेक्ट द ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन एंड राइट द नेम ऑफ सेलेक्ट क्रिएट ऑप्शन, दिस इज द क्रिएट। ओके, अपना उसमें नेम डाल दीजिए, वर्कशीट ओपन हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट ओपन होती है, मैंने आपको बताया था। आप रीनेम योर वर्कशीट, उनका नेम भी रीनेम कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। यू कैन रीनेम और चेंज द नेम ऑफ योर वर्कशीट बाय डबल क्लिकिंग ऑन द शीट नेम ऑन द शीट टैब जस्ट अबव द स्टेटस बार एंड टाइपिंग इन द न्यू नेम। ओके, डबल क्लिक करेंगे आप उससे, उसका जो नेम होता है उसे चेंजेस कर सकते हैं, रीनेम हो जाएगा। वर्किंग विद ए वर्कशीट, हाउ कैन वर्क, यू हैव जस्ट क्रॉस द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिंग अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, द नेक्स्ट स्टेप इज एंटरिंग डाटा ऑन टू द वर्कशीट, यू कैन एड नंबर टेस्ट डाटा एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। आप डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को उसे एंटर कर सकते हैं। ओके, दिस ओके, एंटरिंग नंबर टेस्ट फॉर्मूला एट एंड रिटर्न टाइम, हम नंबर्स को एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, जो कि ए बी सी डी जो भी अल्फाबेटिकली होता है नंबर्स आपका होता है, दिस नंबर एंटर्स दैट कैन बी यूज इन एनी फार्मूला और कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस के जब नंबर का यूज़ करते हैं, ये कुछ करेक्टर कैन बी यूज फॉर दिस, डॉलर साइन, पेरेंथेसिस साइन, परसेंटेज साइन, ओके, एंड टेस्ट। एनी टाइप ऑफ डाटा दैट इज नॉट न्यूमेरिक और फॉर्मूला टाइप आर कंसिडर्ड एज टेस्ट, दिस मीन्स दैट एनी डाटा इज न्यूमेरिक, अल्फाबेट, न्यूमेरिक स्पेस, स्पेशल करेक्टर इन एनी कम्बिनेशन आर ट्रीटेड एज टेस्ट। ओके, ये टेस्ट में ही आएगा दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूलाज आर इक्वेशन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन वैल्यू इन वर्कशीट। ए फार्मूला शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ इक्वल साइन। फार्मूला क्या होता है, जो कि वर्कशीट पे कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, और इसे हम हमेशा इक्वल साइन से ही स्टार्ट करते हैं। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम डाटा
also can be entered directly, like number, date and time are right aligned with in the cell, and you can use dates in calculation. कैलकुलेशन में डेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेल से वैलिड है, ये वैलिड नंबर है, ये वैलिड फॉर्मूला है, ओके, वैलिड डेट एंड टाइम दिस, ओके. नेक्स्ट इज हाउ कैन सेविंग ए डॉक्यूमेंट और वर्क. नाउ सेविंग इन एक्सेल वर्कबुक इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वाट यू डू इन वर्ड और पावर पॉइंट. सिंपली जैसे आप एम एस वर्ड और पावर पॉइंट में सेव करते हो, उसी तरीके से आप एम एस वर्कबुक एक्सेल में अपनी फाइल को सेव कर सकते हो. स्टेप ऑफ सेव अ वर्कबुक. फर्स्ट स्टेप इज दैट क्लिक द सेव आइकन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार या सेलेक्ट फाइल टैब, सेलेक्ट ऑप्शन, सेव एस ऑप्शन. एंड स्टेप सेकेंड, द सेव एस डायलॉग बॉक्स अपीयर इन द सेव एस डायलॉग बॉक्स. सेलेक्ट द लोकेशन एंड गिव ए नेम टू द वर्कबुक फॉर द फर्स्ट टाइम. आप उसे क्या करेंगे, जहाँ पर आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जहाँ पर आपको फाइल सेव करनी है, उसे सेलेक्ट करेंगे, उसका नेम देंगे और देन क्लिक ऑन सेव बटन. ओके. और द एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेल फाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इट. दिस एक्स डॉट एक्स एल एस एक्स. ओके. And we can use the control plus S for shortcut key command for save up workbook or files. ये practicals है, इसके through आप table बनाइए इस type से. If you have a system at a home, then draw this type of tables. RL के international schools, class, roll number, okay. एंड ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग वर्कबुक. नेक्स्ट इज जैसे कि आपने जो फाइल सेव की है उसे कैसे ओपन करेंगे. ओके. तो द वर्कबुक कैन क्रिएट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आर सेव इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर. व्हेन यू वांट टू एडिट और सी वर्कबुक अगेन यू नीड टू ओपन. अगर आप दोबारा से उसे एडिट करना चाहते हो जो आप पहले सेव कर चुके फाइल को, तो उसे आपको दोबारा ओपन करना होगा. तो हाउ कैन ओपन ए वर्कबुक. स्टेप और टू ओपन ए वर्कबुक, फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द फाइल टैब, सेलेक्ट ओपन ऑप्शन फ्रॉम द बैक दिस व्यू. द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर. फाइल टैब पे जाके ऑप्शन ओपन ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो एक ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जिसमें कि आपको फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी. द ओपन डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द लोकेशन एंड फाइल नेम वन टू ओपन. जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हो उसको नेम देखेंगे आप लोकेशन पे जाके, देन क्लिक ऑन द ओपन बटन. ओके. उसे सेलेक्ट करने के बाद ओपन बटन पे आप क्लिक कर देंगे. देन नेक्स्ट इज एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग वर्कशीट. हाउ कैन एडिट एंड फॉर्मेटिंग वर्कशीट. आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन अदर वीडियो. ओके. मैं आगे की वीडियो में इसे एक्सप्लेन करूँगा यहाँ से. तो आई विल स्टॉप हियर. एंड इफ यू हैव सिस्टम एट ए होम, देन डू वर्क एज ए प्रैक्टिकली एंड रीड दिस चैप्टर केयरफुली. ओके.